मैंने उसको मारा नहीं था, बाप ने मेरे छुआ नहीं था, वो झूठी नारी है, वो झूठी नारी है, वो अत्याचारी है। उसको कहती अबला नारी, असल में है अत्याचारी, में चाहिए गाड़ी बंगला, धोखा देकर लोगों को बनाती है कंगला, ये झूठी नारी है, ये अत्याचारी है। झूठा झूठा तू केस लगाती, बेगुनाह लोगों को फंसाती, झूठे केस करके तेरा सपना कि पराया माल तू कर ले अपना, ये झूठी नारी है, ये अत्याचारी है। तेरे लिए है सारा कायदा, तूने उठाया सिस्टम का फायदा, जिसको कहती तू फेमिनिज्म, कोर्ट बोले लीगल टेररिज्म, ये झूठी नारी है, ये अत्याचारी है। कैसे मिलियन तुझको सिस्टर, तोड़ दिया तूने घर संसार, क्यों तो तू ऐसी नहीं है, अगर तू ऐसी है तो तू नारी नहीं है, ये झूठी नारी है, ये अत्याचारी है। कानून है अपना इतना अंधा, तूने बना दिया उसको धंधा, जेल भेज रहे हैं मुझे हजूर, क्या मर्द होना है इतना कसूर, ये झूठी नारी है, ये अत्याचारी है। अबला नारी अब कर ली हमने पूरी तैयारी, हम सब ने किया है मिलके डिसाइड, ओनली फाइट नो सुसाइड, ओनली फाइट नो सुसाइड, ओनली फाइट नो सुसाइड, ओनली फाइट नो सुसाइड। थैंक यू वेरी मच। हमें एक क्या चाहिए, हमें एक क्या चाहिए। थैंक यू। इस मौके पर यहाँ अपना ज़रूरी काम, ज़रूरी घरों के, अपने फैमिली के और दूसरे कमिटमेंट्स को दरकिनार करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद, चूँकि हों इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर हम अपनी आवाज़ उठाएं, तो उसके असरात, उसका प्रभाव, उसके नताएज यकीनन बहुत पॉजिटिव होते हैं, होते आए हैं, और आने वाले वक्त में भी जिस तरह से ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये फैमिली काम कर रही है फैमिली बचाने के लिए मुल्क भर में, आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि सरकार जागेगी, सरकार को इस बात का एहसास होगा कि बेहुदा कानून जैसे 498A दहेज उत्पीड़न के जो कानून है, या घरेलू हिंसा का जो कानून है, तलाक या बलात्कार के जो कानून है, उन कानूनों में बहुत शिद्दत से बहुत ज़रूरी आ चला है कि वक्त के इनमें तब्दीलियां आए। आमतौर पर जो शरीफ लोग हैं, जो सीधे साधे मासूम लोग हैं, उनको ये कानून अपना निशाना बनाता है, और अक्सर देखा ये गया है कि जो वाकई दहेज के लोभी होते हैं, जो वाकई दहेज के लिए औरतों को या लोगों को या समाज को प्रताड़ना देते हैं, वो इस कानून के दायरे में नहीं आते, वो बहुत आसानी से बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी दहेज नहीं मांगा, जो लालची नहीं है, जो शरीफ हैं, सीधे हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, औरत को देवी मानते हैं, अपनी वाइफ को उसको इस तरह से रहना चाहते हैं कि वो उसके सच्चा जीवन साथी है, लेकिन जब उसी को धोखा मिलता है तो बजाय उसको कि उसको उसको उसकी मदद हो, कानून आगे बढ़कर उसकी मदद करे, उल्टा ये होता है कि उसी को ही निशाना बनाकर, उसी के ख़िलाफ़ ही झूठे मुकदमात लगाकर उस पूरे ख़ानदान को तकलीफ़ और परेशान किया जाता है। आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हम लोग इकट्ठा होकर गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि ये बेहुदा कानून, ये जालिम कानून, ये पड़ताड़ना देने वाले कानून बदले जाएंगे और इनमें तब्दीलियाँ आएंगी। अमित जी ने भी कहा कि एक फिल्म हम लोगों ने बनाई है, शादी दहेज और गैंगस्टर, तो जिन लोगों ने देखी है फिल्म वो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी ये फिल्म, वो लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, चाहे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो हो,
सभी के जो उनकी लाइब्रेरीज हैं फिल्मों की, वहाँ पर ये फिल्म उपलब्ध है। मैं आप सभी का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाअहल को, मुझ जैसे बायस लॉस की वजह से वो हड़प लेना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रास्ता उनको मिलता है, बाय क्रुक। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश में देर आर 49 लॉज फेवरिंग वुमन एंड जीरो लॉज फॉर मेन, और उसके बाद भी ये आप लोग जब जो सारे मिले हैं, और भी ऐसे विक्टम्स हैं जो आज नहीं आ पाए इन केसेस के चलते हुए, आप सोच सकते हैं कि कितने स्ट्रेस और ट्रॉमा से वो लोग गुजर रहे हैं। सेम चीज़ मेरी हालत भी सेम थी, मेरे पर भी केसेस आए। क्यों? क्योंकि उनको अपना लोन का पैसा कंप्लीट करना था, मेरे ऊपर फॉल्स केसेस डाले गए, मैंने पैसे देने से मना किया, मैंने पैसे देने से मना किया, तो ये बहुत ही गंदी लड़ाई स्टार्ट कर दी गई। इसी बीच क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स को तो खैर प्रेशर था ही, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पे इतना प्रेशर आ गया कि उनकी डेथ हो गई। परिवार टूटते हुए, मतलब जो बहुत ओल्ड एज के थे उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ एंड दे एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइफ। ये भी एक ओल्ड एज का फर्क था ही, और ऊपर से ट्रॉमा जो उनके बच्चों पे वो खुद नहीं देख सकते थे और उनके बच्चों के बच्चों को भी नहीं देख सकते थे, एंड मतलब बहुत ही स्ट्रेसफुल तरीके से वो लोग उन्होंने ये दुनिया छोड़ी। हम भी ऑब्वियसली बहुत प्रेशर में थे, क्या करें, अब पैसा रिकवर करना है ऑपोजिट पार्टी को, तो वो झूठे केस डाल के हमारे ऊपर, चाहे एलुमिनी हो चाहे रेगुलर मेंटेनेंस हो, और ये उनको मालूम था कि किस तरह से ये लॉज मिसयूज करने हैं। मेंटेनेंस लगनी है, जब मेंटेनेंस भी लगी तो सिर्फ मेरी सैलरी देखी गई और कुछ नहीं देखा गया, कोई एविडेंस को कुछ भी नहीं देखा गया, सब कुछ मेरे अगेंस्ट ही वर्बली लिया गया, नो कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस एट ऑल। फिर मैंने इनके टैक्टिक्स सीखे, तब तक मैं एस आई एफ में नहीं आया होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एस आई एफ के बारे में कैसे पता लगा। ये जितने भी वॉलंटियर्स एक्टिविटीज जो कर रहे हैं आपके साथ में, ठीक है ना, इनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, एंड आई मतलब वुड रियली लाइक कि टू हैव एन अप्लॉज फॉर ऑल दीज वॉलंटियर्स जो भी आपके साथ सामने खड़े हैं, जिन्होंने हेल्प करी है मेरी। अच्छा, इनका काम क्या था? जैसे आपने ये छोटे छोटे बैनर्स देखे हैं, मेरे पापा ने क्या किया था कि ये जो डिवाइडर्स होते हैं इस पे ऐसे बैनर देख लिया था, उस पे हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ था, उस पे कॉल किया, उसकी वजह से मैं इन लोगों से मिला और अपना केस जीता एवरी स्टेप ऑफ द वे। ठीक है, तो मैं फैमिली प्रेशर था, जैसे मैंने आपको बताया घर वाले ऑब्वियसली बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, फिर इनकी वजह से मैं थोड़ा लॉ के पॉइंट सीखा, टैक्टिक्स सीखा, यही देखते हुए कि हमारे पास और भी ऐसे रूल्स हैं कैसे जीते। झूठ के खिलाफ जीत तो होती ही होती है आपके। आई थिंक जो लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बिकॉज इस मुद्दों पे, ऐसी चीज़ों पे जनरली लोग आते नहीं हैं, लोग बात नहीं करते। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया और 100 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कहना कि हमें लगता है कि पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए, और ये आज का दिन हम लोगों के लिए समर्पित है, हम लोगों के लिए, हम लोग जो अपने अपने तरीके से सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फैमिली में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम लोगों के ऊपर आज का ये दिन समर्पित है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली ऑफ सेफ फैमिली फाउंडेशन एंड मैनेजर। थैंक यू। सब लोग धरने के लिए आज हम क्या धरने के लिए हैं।
खाने के लिए नहीं है, अगर ये सब डाल दिया तो खाएगा कौन? ऊपर से लेयर छोड़ के खाना पड़ेगा। नहीं बट कॉन्ग्रेचुलेशन स्वरूप एंड अमित एंड एवरीबडी, ब्रिलियंट आई थिंक। स्वीट चीयर्स फॉर एवरीबडी। हिप 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 हिप। आज मेंस डे मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक जगह पर सारे शहर से और दिल्ली के बाहर से भी जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो एक पैगाम सरकार को देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं। और बहुत बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये एक मैसेज है कि मर्दों के खिलाफ मर्द होने का उनको दंड नहीं मिलना चाहिए कानून की तरफ से। औरत और मर्द दोनों बराबर हैं और अब ये हो रहा है कि कवानीन कुछ इस तरह के हैं, कानून कुछ इस तरह के हैं जिसमें औरत को बर्तरी दे दी गई है और उस बर्तरी का कुछ बदमाश औरतें कुछ नाजायज़ अपनी डिमांडों को पूरा करने के लिए उन कवानीन का इस्तेमाल कर रही हैं। और ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह के समाज में जो डिस्क्रिपेंसी है, समाज में जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ से लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सभी लोग मुबारकबाद पहुँचते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि शोषण समाज में महिलाओं के साथ होता है, पुरुषों के साथ नहीं होता है, लेकिन ये देखा गया है कि कई पुरुष ऐसे हैं जो शोषण को झेल रहे हैं और वो अपने अंदर की बात को बाहर नहीं लेना चाहते, उनके लिए क्या ये पुरुषों के साथ शोषण हो रहा है इसमें कोई दोहरा नहीं। आज अगर आप देखेंगे कि रेप के जो कानून हैं या 498 दहेज के जो कानून हैं, बलात्कार के जो कानून हैं, इन कवानीन का आम तौर पर देखा ही जा रहा है कि गलत इसका इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। जो लोग वाकई बदमाश हैं उनको सज़ा नहीं मिल रही, वो भाग जाते हैं, वो बदमाशियाँ करके निकल जाते हैं, लेकिन जो शरीफ हैं, जो सीधे साधे हैं, जो मासूम हैं, जो मतलब बहुत ही आर्टिकुलेट नहीं हैं, शरीफ हैं, उनको उनसे उनकी दौलत हथियाने के लिए या बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए या किसी और दूसरे मकसद के लिए ये बदमाश औरतें पूरे के पूरे खानदानों को बर्बाद कर रही है। कौन कौन से कानून बनाने की आप लोग मांग करते हैं सरकार? देखिए हमारा ये एक आह्वान है समाज से और जुडिशरी से और सरकार से कि कानून कुछ इस नौयत का हो जाए कि अगर कोई झूठा मुकदमा किसी ने दायर किया है और ट्रायल के बाद जज को ये पता चल जाए कि ये मुकदमा झूठा था, ये इस औरत ने या इस आदमी ने झूठा मुकदमा लगाया है, तो उसी कानून के तहत उसी मुकदमे के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरा उसका शिकार ना हो, ताकि उसको पता चल जाए, 10 बार सोचे यार झूठा मुकदमा लगा दिया तो अपने ऊपर पड़ जाएगी, तो होगा ही नहीं। फिर अगर बदमाश औरत इस बात को महसूस कर ले कि वो उसने रेप का झूठा मुकदमा लगा दिया या उसने 498 का झूठा मुकदमा लगा दिया और ट्रायल हुआ 2 साल 4 साल 5 साल और जब इस ट्रायल के बाद जज को ये पता चला कि झूठा मुकदमा है और उसी औरत को पकड़ के साली को जेल डाल दिया गया, तब उस बात को एहसास होगा कि अब किसी को झूठा मुकदमा दायर नहीं। सर